क्या बात है यार, ये सारा लिखा हुआ है मैंने, ये सारी बातें हुई हैं, इनकी फोटो बना ले आप भी देख ले, और भी साथी थे काफी सारे। इधर से निकाल लेकर उनके जो पक्षात है वो भी बताया, उन्होंने तीन अदालतों में गया पीटी इमरान खान तू बना रहा, हमने बनाया, मैंने चलाना है, दुनिया ने देखना है, दुनिया ने देखा अपनी तस्वीर बना कमाल सिक्योरिटी यहाँ की है उसको ना सिर्फ तब्दील कर दिया गया, यानी अननोन लोग आए जो यहाँ की अदालत की वो नहीं, और दूसरा यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे मैंने उनसे कहा, फिर आपने हमने सवाल किया, हमने कहा फिर इसके बाद आपका प्लान गया पेश तो होना पड़ेगा अदालत में, तो मैं अदालत में जाऊंगा, अब वो क्या अरेंजमेंट होंगे ये देखना पड़ेगा। दूसरा बदस्तूर गवर्नमेंट की तरफ से उनको खदशात है कि उनको किसी और मुकदमे में या कहीं भी गिरफ्तार करने की कोशिश। संडे को जलसे के हवाले से क्या कहा खान साहब? जलसे का तो आपको अदालत से आ गई खबर मेरे ख्याल में, वो तो आ गई, लेकिन असद उमर साहब कह रहे थे कि नहीं जो भी हो जलसे को हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है जलसा करना, और दफा 144 का नफाज नहीं हो सकता, उसका भी केस लगा हुआ है, अगर दफा 144 के नफाज वाला मामला क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास कानूनी आईनी जवाब है कि वो जलसा करें। अच्छा खान साहब ने, खान साहब को ये जिन नौजवानों ने बचाया ये कौन लोग थे, किसने बचाया खान साहब को, इतना सा बता दें। इमरान खान साहब का ये मानना है कि उन्होंने उनके लोगों ने मुझे बताया कि 3-4 मरतबा खान साहब ने ये कहा, कुछ लोग 3 दफ़ा कह रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक शख्स ने मुझे 4 मरतबा भी कहा, उन्होंने कहा 3 मरतबा खान साहब ने ये कहा कि आप इनसे नेगोशिएशंस करें, बाहर मासूम लोग हैं, नुकसान हो जाएगा, मैं गिरफ्तारी दे देता और नेगोशिएशंस कर लें, लेकिन कारकुन नहीं माने, और कारकुन उस वक्त भी नहीं माने जब यहाँ पे बहुत थोड़ी सी तादाद में कारकुन बाकी बचे थे, 30 के करीब लोग थे, तो ये एक बड़ा टफ टाइम था पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के। जब खान साहब पे ये सारा सीन हुआ लाहौर की क्यादत कहाँ थी जीत जाएगी, और आप मैंने खुद देखा जब थी, आप खुद आए थे यहाँ पे भी लाहौर की क्यादत आएगी, आप उनसे ये बात, ये वाली बात पूछनी है, मैंने कुछ लोगों को वाकई देखा, लाहौर के लोग ही थे और इमरान खान साहब की पार्टी के ही लोग थे जो लोग ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। सारी सिचुएशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें ये जो फैसला साध है ना, जो बंद कमरों के अंदर मुल्क की तकदीर लिखते हैं, उनको ये फैसला करना चाहिए कि कौम को इदारों के सामने खड़ा करने से मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ये क्या मोमेंट है इस सिचुएशन में, पाकिस्तान किस मोड़ पे खड़ा हुआ है आज? ये तो सारों को पता है कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और किस तरीके से हो रहा है, उम्मीद ये करते हैं कि सब लोग अपनी इज्तमाही दानिश का मुजाहरा करते हुए मामला को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और बेहतरी इलेक्शन से आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान भाई मेरा
عمران بھائی عمران بھائی آئی لو یو آئی لو یو عمران بھائی عمران بھائی وہ ٹکر کے لوگ والا ڈائلاگ بولے سارے ٹکر کے لوگ عمران بھائی ٹکر کے لوگ والا ڈائلاگ بولے عمران بھائی وہ ڈائلاگ تو مارے ٹکر کے لوگ والا ایک منٹ کو ایک ٹکر کے لوگ ہیں یہ ٹکر کے لوگ ہیں بھائی بھائی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی جان السلام علیکم بھائی کیسے ہو ٹکر کے لوگ السلام علیکم سر گاڑی ہے